मेरे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और पूर्व मैं मंत्री भी रही माइनॉरिटी अफेयर्स की स्मृति ईरानी जी जुड़ रही हैं। स्मृति ईरानी जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग इन। मैम, विपक्ष इज हेलबेंट, या विपक्ष किसी तरह से संसद में भी संसद के बाहर भी ये प्रूव करने में लगा है कि किस तरह से आपकी पार्टी की सरकार मुसलमानों के इतने खिलाफ है कि एक उनके वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ रही है। उनका सिर्फ एक टारगेट है, वो ये प्रूव करना चाहते हैं, दे हेलबेंट टू प्रूव दिस, कि वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ यानी मुसलमानों के साथ छेड़छाड़। मैम, देखिए, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करती हूँ कि आज एक ऐतिहासिक कदम उनकी सरकार ने देश की संसद में उठाया, और ये ऐतिहासिक तीन चार मुद्दों के आधार पर कह रही हूँ। एक, पहली बार ये प्रस्ताव आया कि वक्फ बोर्ड पर विधिवत सम्मान सहित मुस्लिम समाज की महिलाओं को स्थान मिले। दूसरा, अभिनंदन के योग्य ये संशोधन भी है कि वक्फ की जो अर्निंग्स हैं वो अर्निंग आप विधवा मुस्लिम बहनों के लिए, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक वक्फ की अर्निंग को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी अभिनंदन के योग्य है। तीसरा, आज विपक्ष की ओर से मैंने कई चार्जेस सरकार के खिलाफ सुने। एक, कि ये आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं हनन है। आर्टिकल 14 ये कहती है कि आपको सभी नागरिकों को कानून के तहत एक समान अधिकार मिलना चाहिए। अब ऐश्वर्या जी, आप, मैं हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो या किसी भी धर्म के हों, अगर हमें हमारी जायदाद की पुष्टि करनी है तो उस जायदाद की पुष्टि को सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। सर्वे कमीशन जायदाद की पुष्टि नहीं कर सकता, सर्वे कमिश्नर सर्वे कर सकता है। और आज सरकार ने जब ये संशोधन सदन में प्रस्तुत किया तो ये जो एक लंबे अंतराल से समाज के साथ, बोर्ड मेंबर्स के साथ, प्रदेश सरकारों के साथ भारत सरकार की चर्चाएं रहीं उसका नतीजा है कि सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो ये है कि प्रॉपर्टी किसकी है, इसकी पुष्टि कैसे हो। तो ये पुष्टि सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है, जो आज प्रस्ताव सरकार ने सदन में रखा। दूसरा, और मैंने इससे पहले शायद शाजिया जी को बोलते सुना था कि एक बार ट्राइब्यूनल ने या बोर्ड ने कोई निर्णय ले लिया, इक्वालिटी अंडर लॉ आर्टिकल 14 क्या कहता है, सभी हिंदुस्तानियों को एक समान अधिकार होना चाहिए। अगर कोई ट्राइब्यूनल एक हिंदू, ईसाई, पारसी के खिलाफ कोई भी निर्णय करता है तो क्या सभी धर्मों की आज़ादी है कि वो देश के न्यायालय में जाए? बिल्कुल है। तो फिर क्यों ऐसा विपक्ष चाहती है कि मुसलमान के पास ही अधिकार ना हो, या वक्फ के संदर्भ में जो कार्य चल रहा है उसमें ही न्याय संगत आप न्यायालय तक नहीं जा सकते? और एक और अगर मैं इसमें विषय जोड़ूं, पिछली सरकार ने ये अपने एक प्रावधान में विशेष रूप से एक व्यवस्था बनाई वक्फ बाय यूज़र की, मतलब कोई भी किसी भी ज़मीन को, किसी भी जायदाद को डिक्लेयर कर सकता था वक्फ। अब अगर आपने इस्लाम धर्म पढ़ा है तो आप जानते हैं वक्फ वही होता है जो आपका है, जो आप अल्लाह को देते हैं जी। तो अगर वक्फ बाय यूज़र हटता है, जिसका आज विपक्ष विरोध कर रही थी, तो विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रही है ये मेरी समझ के बाहर है। मैंने आज विपक्ष का विरोध इस बात पर भी सुना कि जो आर्टिकल, जो सेक्शन 104 है उसका विरोध क्यों हो रहा है। भाई, आप वक्फ तभी बना सकते हैं जब आप खुद मुस्लिम फेथ को प्रैक्टिस कर रहे हों, इस्लाम धर्म को मानते हों। कांग्रेस ने ये प्रावधान लाकर रखा था कि अगर आप इस्लाम धर्म को मानते नहीं हैं तो भी आप वक्फ बना सकते हैं, तो ये कैसे संभव है? तो मुझे लगता है जो त्रुटियां रही हैं, जो विसंगतियां रही हैं, जो चुनौतियां रही हैं, उसका एक भरसक प्रयास सरकार द्वारा किया गया है कि सभी चुनौतियों का समाधान, सभी प्रश्नों का उत्तर इन संशोधनों के माध्यम से आए। आज सरकार ने जब अपना पक्ष रखा बड़ी सफलता के साथ, तो मुझे लगा था कि सरकार ने, क्योंकि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब न्याय संगत तरीके से तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर दिया, फिर भी सरकार का ये कहना कि जेपीसी का गठन हम करते हैं, सभी पक्षों को अपनी बात रखनी चाहिए, ये सबका साथ सबका विकास और सबकी आवाज़ का सबसे बड़ा मोदी सरकार ने आज सदन में प्रमाण पुनः एक बार दिया, जिसका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा जी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने कलेक्टर को ताकत दे दी और वक्फ बोर्ड के मेंबर से हटा ली, तो ये जो ऑटोनॉमी ऑफ वक्फ बोर्ड है उसको चैलेंज कर। देखिए, ऐसा है, ऑटोनॉमी कैसे हो जाएगी?
आप मान लीजिए कि आप तमिलनाडु का जो केस जब सदन में चर्चा में आया, तमिलनाडु में एक व्यक्ति जाता है अपनी जमीन बेचने के लिए, उसको कलेक्टर कह देता है सॉरी आप जमीन बेच नहीं सकते, वक्फ बोर्ड ने कहा उनकी जमीन है। अब उस बेचारे के पास कोई प्रावधान ही नहीं था कि वो न्याय मांगे, क्यों? क्योंकि आज से 500 साल पहले किसी सुल्तान ने कुछ किया था। अब देखिए, जब रेवेन्यू लॉज को आप ध्यान से देखें, जिस सदन के विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया वो स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उनका अपना अनुभव है कि रेवेन्यू ऑफिसर ही सर्टिफाई कर सकता है। क्या उनका ये मानना है कि अब देश भर के DM उनको नदारद कर देना चाहिए अपनी रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, या रेवेन्यू ऑफिसर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि विषय मुस्लिम समाज से संबंधित है? तो मुझे लगता है कई तो विपक्ष के पोजीशंस ऐसे थे जो काफ़ी भ्रमित करने वाले थे, काफ़ी बचकाने थे। जो लोग स्वयं एक एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास रखते हैं इस देश में, कम से कम उन्हें इस बात को स्वीकारना चाहिए कि रेवेन्यू ऑफिसर की एक प्रमुख भूमिका है टाइटल को कहीं ना कहीं वेरीफाई करने की, और वही बहुत सारे वक्फ की चुनौतियों से जो आप केसेस अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सभी चुनौतियों का मुख्य जो बिंदु है केंद्र का वो यही है कि टाइटल किसका है, किसका अधिकार था कि वो वक्फ बनाए, किसकी वो जायदाद थी या किसकी वो जायदाद है, और उसको सर्टिफाई आप चाहे न्यायालय जाएँ, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाएं, चाहे मंत्री के पास जाएं, अंततः वो समाधान आपको सिर्फ वो रेवेन्यू ऑफिसर दे सकता है जो आज के संशोधन में सरकार ने जिसको स्थापित किया। स्मृति जी, लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि रेलवे और डिफेंस के बाद, आई वॉज अमेज टू सी 8.7 लाख प्रॉपर्टीज, 9.5 लाख एकड़ जमीन, 9.5 लाख, 9.4 लाख एकड़, मतलब इसको समझने में मतलब कितना एकड़ होगा, मेरे को लगता है एक दो मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा मिला के होगा। रेलवे, ऐश्वर्या जी, जी रेलवे और डिफेंस के बाद, ये आपका अनुमान है, अब तक सब अनुमानों पे बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 1,50,000 करोड़ की जायदादें हैं, संपत्ति है, कुछ कहते हैं 10 लाख एकड़ है, कुछ कहते हैं 6 लाख एकड़ है, कुछ कहते हैं 5 लाख एकड़ है, कुछ कहते हैं 8 लाख एकड़ है, आप 9 लाख एकड़ कह रहे हैं। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आइडेंटिफाइड लीगल फ्रेमवर्क में स्पष्ट शब्दों में विद एविडेंस विषय क्या है, और ये विषय तभी ट्रांसपेरेंटली जनता के सामने उजागर हो सकता है जब जिसकी वो ज़मीन है, कई बार तो वर्बल कहते थे हमने वक्फ बना दी, जी कागज़ का है उसका पता नहीं, हमने कह दिया तो हो गई। अच्छा, आपने क्या कह दिया, किसकी ज़मीन थी, बस हमने कह दिया तो हो गई। आज मैं दिल्ली में आपसे चर्चा कर रही हूँ, करोल बाग है, दरियागंज है, चांदनी चौक है, आप जाएं तो आपको पता चलेगा किसी ने घोषित कर दी जी है बोर्ड की, आप क्या करिएगा, क्योंकि पिछली सरकार के जो कानून के तहत आपके पास कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं था। अब कई मुस्लिम परिवार ऐसे भी हैं जो कहते हैं साहब मेरी वक्फ है लेकिन बोर्ड रजिस्टर नहीं कर रही। अब चूंकि बोर्ड रजिस्टर नहीं कर रही तो बोर्ड की जब इच्छा होगी वो कहेगी आपकी ज़मीन है नहीं, हमारी है। तो ऐसे कई केसेस को ढंग से पढ़ने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, और जब लोगों की मांग आई कि भाई आप कोई संशोधन तो लाइए ताकि हम प्रोटेक्ट हो सकें, तब सरकार ये संशोधन लेकर आई है। कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें लोगों ने कहा जी फला फला हमारे चचा जान ने वहाँ पे नमाज अता की थी इसलिए अब वो ज़मीन हमारी है। क्या ये संभव है, मैं आपके घर में आके पूजा कर लूँ क्या आपका घर मेरा हो जाएगा? ऐसा मत कीजिए, इसमें तो अगर सब धर्मों के लोगों तो के लिए एक न्याय प्रणाली है या एक, मैं वही कह रही हूँ, तो अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो मुस्लिम समाज क्यों नहीं प्रोटेक्ट हो सकता? नहीं, होना चाहिए। मैं देख रहा था जब आपने कहा तमिलनाडु का प्रोटेक्ट हो रहा है तो फिर आपके मैं सिर्फ आप तो ऐश्वर्या जी सिर्फ आप सिर्फ जायदाद की बात कर रहे हैं, मैं आपको दो और उदाहरण देती हूँ जो आपको चौंका देगा। आप इस वक्त अगर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की वेबसाइट में जाएं जी तो आप देखेंगे कि वो तलाक भी करा रहे हैं, वो खुला भी दे रहे हैं, बट हाउ कैन दे डू दैट, प्रिंट करके एक मीडिया एजेंसी है ऑनलाइन बहुत चलती है, आप उनका एक, अब वो तो भाजपा समर्थक है नहीं, वो तो क्रिटिक्स है हमारे, उन्होंने खुद ये रिपोर्ट की है कि 3 तलाक के ऊपर जब बैन हो गया उसके बाद लोग वक्फ बोर्ड के पास जाकर औरतों के खिलाफ, वो बेचारी भटक रही हैं औरतें और पुरुषों ने जाके वहाँ खुला ले लिया, अपनी मैरिज को अनल करा दिया। अब भी इस वक्त जब लोग आपको और मुझे देख रहे हैं टीवी पे, जाइए ना उस वेबसाइट पे जाइए, आपको पता टीम इज गोइंग जा रहे, आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने एक फतवे को रेजोल्यूशन बना दिया और आंध्र प्रदेश की
रेजोल्यूशन जो बना वक्फ बोर्ड द्वारा, जो फतवा था उसको रेजोल्यूशन बना दिया बोर्ड का। और रेजोल्यूशन क्या था कि अहमदिया जो है वो गैर मुसलमान है। अब आप मुझे बताइए, कोई बोर्ड में कोई सज्जन बैठे हैं वो तय करेंगे अब वो मुसलमान है कि नहीं है? एक पूरी की पूरी सब कम्युनिटी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसीलिए फंक्शनैलिटी ऑफ द बोर्ड में कितनी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आ सकती है, टेक्नोलॉजी कैसे लेवरेज हो सकता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है, जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा कैसे हमारे मुस्लिम समाज के लोग बन सकते हैं, ये सारे संशोधन उससे संबंधित हैं। लेकिन जब आज किरण रिजिजू जी खड़े हुए कि तो उन्होंने कहा से, जी प्लीज जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आज जब किरण रिजिजू जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, बात की साक्षी रहे हो, मैंने की है स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग। हाँ की है, मेरे को पता है, व्हेन यू वर द मिनिस्टर, वीडियोग्राफ हमने आज रिपोर्टर हमने कवर किया है, व्हेन यू वर द मिनिस्टर आई नो क्या क्या काम उस दौरान हुआ है। मैंने लोगों से, तो अगर आपने अभी बोरास की बात की, पासमांदा मुसलमान सरकारी बोल रही थी, अगर प्रदेश की स्टेट, अगर सरकारें बोल रही थी, स्टेट के बोर्ड्स बोल रहे थे, अगर मैंने कहा बोरा समाज, अहमदिया समाज, आगा खानी, शिया, सुन्नी सब बोल रहे हैं, तो विपक्ष अलग बोल क्यों बोल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप अपना हिंदू एजेंडा कर रहे हैं, उनके कंधे पे बंदूक रख के, टू बी वेरी क्लियर, वो कह रहे हैं कि आप उन सब के कंधे पे बंदूक रख के अपना हिंदू एजेंडा। सारे संशोधन, मैं ऐश्वर्य जी अभी आपको कह रही हूँ, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, सारा जो संशोधन आज प्रस्तुत हुआ है सदन में, पूरा का पूरा संशोधन पढ़ लीजिए, उम्मीद एक्ट पढ़ लीजिए, कैन यू वंस फाइंड द वर्ड हिंदू इन इट? इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट देयर। बट वो कहते हैं कि 40,951 केसेस पेंडिंग है, तो क्या हुआ? आप उसकी ऑटोनॉमी मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ऑटोनॉमी लेंगे, आप मुसलमानों की राइट्स पे अटैक करेंगे। मैं ये नहीं समझ, एंड दैट्स माय फाइनल क्वेश्चन टू यू मैम, ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड के, नहीं नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है जी, नहीं नहीं नहीं, नोबडी कैन बी अबाउट द इंडियन जुडिशरी इन टर्म्स ऑफ एडजुडिकेशन ऑन लॉ, करेक्ट? या कानून के ऊपर एविडेंस के आधार पर निर्णय देने का अधिकार भारत की न्यायपालिका को है। क्या विपक्ष का ये कहना है कि एक प्रदेश का बोर्ड भारत की सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है? क्या विपक्ष का ये कहना है कि एक प्रदेश का वक्फ बोर्ड प्रदेश में स्थापित हाईकोर्ट से ज्यादा बड़ा है? क्या विपक्ष का ये कहना है कि एक प्रदेश का बोर्ड का मेंबर या एक पॉलिटिशियन भारत की संसद से बड़ा है? ये प्रस्ताव प्रदेश सरकारों के साथ, बोर्ड के मेंबर्स के साथ, मुस्लिम समाज के साथ चर्चा करने के बाद देश की संसद में आया? इन प्रस्तावों पर विपक्ष ने जो सवाल किए, आज के जिन जिन विपक्ष के नेताओं ने उठकर प्रहार किया सरकार पर, क्या वो सब मुसलमान थे? नहीं। तो ये भ्रांति जो विपक्ष फैला रहा है कि मुस्लिम समाज का संरक्षण सिर्फ मुस्लिम समाज के ही कुछ चुनिंदा लोग कर सकते हैं, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? पर एक और सवाल फिर आपसे कि अगर आपके पास तो नंबर्स हैं, आपकी पार्टी के पास लोकसभा में स्मृति ईरानी जी, फिर क्या ये सिर्फ बोलने के लिए बोला गया कि टीडीपी और जेडीयू आपके साथ है? जेपीसी में जाने की बात, क्योंकि आप डायरेक्टली बिल को पास कराते, यू आर ऑन द बैक फुट, विपक्ष कह रहा है क्या टीडीपी, क्या बैक फुट पे भी गए, टीडीपी और जेडीयू ने, मैम क्या टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल का समर्थन सार्वजनिक रूप से सदन में किया? बिल्कुल किया। आप ललन सिंह जी का भाषण देख लीजिए, जी देखा, आप टीडीपी के नेताओं का भाषण देख लीजिए, आप शिवसेना जो शिंदे गुट है उनका आप भाषण सुन लीजिए। क्या ये सारे जो हमारे सहयोगी दल हैं, इन्होंने सार्वजनिक सदन में उठ के समर्थन नहीं किया? बिल्कुल किया। अब ऐश्वर्य जी, ये विपक्ष का चित भी मेरा पट भी मेरा खेल है कि आज विपक्ष के हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद, सरकार के पास पूरे नंबर्स होने के बाद, सरकार ने अगर बिल पास कर दिया होता तो विपक्ष ये कहता कि सरकार ने हमारी आवाज़ बंद कर दी, सरकार ने मुस्लिम के हकों की हत्या कर दी। और अगर आज सरकार ने खुद प्रस्ताव किया कि जेपीसी का गठन करते हैं,
तो विपक्ष कहती है अरे देखो सरकार ने दबाव में जेपीसी का गठन कर दिया प्रस्ताव, तो आप कह रहे हैं आप चाहते तो आप पास करा सकते थे, आपने नहीं कराया। आप विपक्ष चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स, चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स विपक्ष नहीं कर सकता इस विषय पर। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रीति ईरानी जी। सरकार की उदारता है कि सरकार ने कहा अगर फिर भी विपक्ष ने बोलना है तो वो जेपीसी में अपना पक्ष रखे। आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं का व्यापक चर्चा करने के, सरकार का, मैं कह रही हूं दोबारा, सरकार की उदारता का व्यापक विपक्ष के साथ चर्चा करने की सरकार की सराहनीय पहल का हम सबको स्वागत करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम मैम।